सुस्वागतम, नमस्कार। यू हैव ट्यूनिंग टू फर्स्ट वन हिंदी। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं सी सेक्शन के बाद आपके टांकों की जगह पे जो आपको फीलिंग आना बंद हो जाता है, मतलब कि नमनेस, आपको फील ही नहीं होता कि वहां पे कुछ दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्पेसिफिकली जो टांके लिए होते हैं ना, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, उतने भाग में आपको क्यों नमनेस होती है, काफी लोगों का सवाल होता है। तो मैंने सोचा कि इसका जवाब आज देते हैं। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज वीडियो को करेगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेगा फर्स्ट बॉर्न हिंदी को, और जो बाजू में बेल आइकन है उसको जरूर से दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि नमनेस मतलब कि फीलिंग कुछ भी ना होना, कुछ आपको महसूस ना होना इंसिजन के साइड पे, क्यों होता है। इसका रीजन ये है कि जब भी हमारा ऑपरेशन होता है, क्योंकि इट्स अ मेजर सर्जरी, तो ऑपरेशन के टाइम पे जो हमारा इंसिजन एरिया होता है, जहाँ पे जो कट लगाते हैं, हमारे हर एक स्किन के लेयर पे, 7 लेयर्स कुछ होते हैं, वहाँ पे कट लगाते लगाते वो जाते हैं, तो हमारी अंदर की साइड में जो कुछ नसें हैं स्पेसिफिकली उस जगह पे, वो नसें कट जाती है। जब भी वो नसें जो है वो कट जाती हैं, उसकी वजह से उस एरिया में आपको सेंसेशन जो है वो महसूस नहीं होता है। तो ये सेंसेशन है वो तब आपको आएगा जब ये जो नसें हैं वो प्रॉपर से रीग्रो करेंगी। वो करती हैं पर उसमें बहुत टाइम लगता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस कह रही हूँ। मुझे सी सेक्शन को ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं, उसके ऊपर भी कुछ 3 महीने, तो अभी भी उस जगह पे मुझे इतना ज़्यादा कुछ सेंसेशन नहीं होता है। तो लॉजिकली अगर मैं सोचूं तो हो सकता है कि सारी नसें जो है रीग्रो हो चुकी हो, लेकिन फिर भी शायद वहाँ पे उतना वो असर नहीं दिखाती होंगी। तो यही एक रीज़न होता है कि आपको वहाँ पे नमनेस महसूस होती है। अभी मैंने एक मैगज़ीन में पढ़ा था कि उसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारी जो मतलब ऐसे विमेन हैं, उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो एक ने लिखा था उनको 4-4 सी सेक्शन हुए। आई वॉज लिटिल बिट सरप्राइज्ड, बट 4 सी सेक्शन हुए और उसमें हर एक सी सेक्शन के बाद ऑब्वियसली उनको नमनेस मतलब उनको थी, और फिर बाद में उसके बाद भी उनको वो रही है। किसी ने कहा है कि मुझे कभी नमनेस गई ही नहीं, वहाँ पर कुछ फील नहीं होता, बट आई डोंट बॉदर एट ऑल। तो बेसिकली वहाँ पे कुछ फील ना होना, इससे आपको कुछ घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी का और कुछ जो संतुलन है वो नहीं बिगड़ेगा। बस उतना आपको ऐसे फील नहीं होगा वहाँ पे, सो दैट्स टोटली फाइन। अभी उसमें आप क्या कर सकते हैं, हेल्प क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों को जल्दी चली भी जाती है, पूरा सेंसेशन आ जाता है, कुछ लोगों को नहीं भी आता, ये मे बी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। आप क्या कर सकते हैं, तो जनरली आप जो खाना खाते हैं उसकी वजह से आपकी जो सारी नसें हैं, सारे सेल्स हैं, उनको रीग्रोथ होने में मदद मिलती है। तो खास करके प्रोटीन वगैरह, सारे विटामिन और सब मिनरल्स वगैरह तो खाइए, बट प्रोटीन जो है इससे आपके जो सेल्स हैं, नसें, उनको ग्रो होने में ज़्यादा मदद मिलती है। सेल्स को मिलती है तो शायद नसों को भी मिलती होगी। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो। प्लस आप वॉकिंग भी कर सकते हो, थोड़ा मोटा थोड़ा सा मतलब वॉकिंग आप अगर करोगे, जैसे डॉक्टर आपको सी सेक्शन के तुरंत दूसरे दिन में बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके वॉकिंग शुरू कर दो, तो जितना आप कर सको, एक्सर्शन नहीं लेना, बट अकॉर्डिंग टू आपको कितना टाइम हुआ है सी सेक्शन को, उसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके वॉक करिए। वॉकिंग से भी क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और उसकी वजह से भी ये जो सारे आपकी वेन्स हैं, जो नसें हैं, उनको रीग्रोथ होने में मदद मिलता है। और उससे क्या होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, अगर क्लॉट्स वगैरह भी होने के चांसेस कम होते हैं। तो बस इतना छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद तो ठीक है लेकिन आपको हेल्प मिली होगी। सो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।